हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की बात करें यूनिट नंबर 4 चल रही थी, और यूनिट नंबर 4 के अंदर बात करें पेपर सेकंड। और अब आज जो हमारे जो टॉपिक है वो हमारे पास है टार्टिक अम्ल। टार्टिक अम्ल की अगर बात करें तो ये हमें किससे प्राप्त होता है? ये हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। खट्टे फल जैसे अंगूर, बेर, और हम बात करते हैं इमली की, उनसे क्या हमें प्राप्त होता है? टार्टिक अम्ल प्राप्त होता है। और इसकी संरचना देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से क्या होती है, इसकी संरचना होती है। स्रोत क्या है इसके? स्रोत है इसके इमली, बेर और अंगूर। किससे प्राप्त होते हैं हमें टार्टिक अम्ल? जो प्राप्त होते हैं उसके प्राप्त के स्रोत है हमारे पास इमली है, बेर है और अंगूर है। ये क्या होती है? इसकी संरचना होती है। अब इस संरचना के आधार पर भी क्या होता है, इसके 2 से 3 नाम हैं। पहले नाम की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ CuSO वो कार्बोनिल समूह है, और मैंने कहा था सेकेंड कार्बन क्या होता है, अल्फा बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या हो जाता है? अल्फा हो जाता है। परंतु जब हम इस तरफ से देखते हैं तो ये भी कार्बन क्या है? अल्फा है। परंतु इसको हमने अल्फा दे दिया तो इसको क्या देंगे? अल्फा डेस देते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ता है? अल्फा अल्फा डेस डाईहाइड्रोक्सी। ओ समूह कितने हैं? 2 है, तो डाईहाइड्रोक्सी। डाईहाइड्रोक्सी और बाकी समूह क्या है? सैक्सेनिक अम्ल। एक नाम और है आईपीसी नाम, क्या होगा इसको? ये कार्बन 1, 2, 3 और 4, 2 और 3 पर क्या है? डाईहाइड्रोक्सी। कार्बन कितने हैं? 4 ब्यूटेनोइक अम्ल। एक इसका और क्या नाम है? टार्टिक अम्ल, आपको पता ही है। जिस प्रकार से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जो मेलिल अम्ल की हमने बात की थी, वो क्या किससे प्राप्त होता? मोस्टली कच्चे फल, कच्चे जो सेब था उसके से प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार से हम बात करें जो इसका जो मुख्य स्रोत है, या जो इसका जो नाम पड़ा है टार्टिक अम्ल, किससे पड़ा? वो पड़ा है अंगूर से। किससे पड़ा है? अंगूर से पड़ा है। अब देखिए, अंगूर क्या होता है? एक रस। रस का क्या मतलब है? क्विनोन बनाते हैं, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम टार्टिक, या बोलते हैं आगरण। अंगूर का रस बनाता है क्विनोन, और यही क्या है? इसको बोलते हैं टार्टरिक, क्या बोलते हैं? आग्र। इसी के कारण से क्या नाम बना? टार्टरिक अम्ल पड़ा। इसी कारण इसका क्या नाम पड़ा था? टार्टरिक अम्ल पड़ा था इसका नाम, ठीक है। अब क्या होते हैं? इसकी टोटल होती है 3 संरचनाएं। एक तो हो जाएगा इसका L- टार्टरिक अम्ल, एक हो जाता है D+ टार्टरिक अम्ल, एक हो जाते हैं मेसो टार्टरिक अम्ल। ये कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिख लेते हैं L- टार्टरिक अम्ल, एक हो जाता है D+ टार्टरिक अम्ल, एक हो जाता है इसमें मेसो टार्टरिक अम्ल। एक क्या जाता है इसी के अंदर? मिसो टार्टरिक अम्ल आ जाता है। अब देखते हैं हम कैसे पता करें कौन सी मिसो संरचना है और कौन सी एल टार्टरिक अम्ल है और कौन सा डी टार्टरिक अम्ल है। देखिए, संरचना कुछ इसी प्रकार से बनने वाली है, बस देख लेना, इनकी स्थितियों के देख लेते हैं। अगर OH इस साइड हो, ठीक है, और H इस प्रकार से हो, इस प्रकार की आपको कहीं भी संरचना दिख जाए तो वो क्या होती है? L-
वो कौन सी होगी, एल माइनस होगी। अगर इस प्रकार की संरचना दिख जाए आपको तो हो गया कि डी प्लस, अगर दोनों तरफ ओ एस समूह या दोनों तरफ हाइड्रोजन समूह हो उसे क्या बोलेंगे, मेसोटार्ट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं हम, मेसोटार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोटार्ट्रिक अम्ल कह देते हैं। अब हम बात किसकी बात करने वाले, मेसोटार्ट्रिक अम्ल की। ये क्या होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। ये क्या होता है, ध्रुवणक अघूर्णक होता है। रीजन क्या होता है इसका, वो देखते हैं। देखिए ध्रुवण अघूर्णक होने का कारण है, इससे पहले हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था डी एल मिश्रण। क्या पढ़ा था हमने इससे पहले, डी एल मिश्रण पढ़ा था। डी एल मिश्रण के अंदर क्या था कि जो डी संरचना देखी और एल दोनों थे असममित कार्बन, दोनों दोनों क्या थे असममित कार्बन थे और एक दूसरे क्या थे, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, और इनको जब हमने मिलाया तब ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को उदासीन कर रहे थे। इसी प्रकार से इसी आधार पर हम बात करते हैं इसमें डी व एल टार्ट्रिक अम्ल के अंदर, ये भी क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, ये इनमें भी असममित कार्बन पाए जाते हैं तो दो है। जब इनको आप मिश्रण किया जाता है, इनको मिलाया जाता है तो ये उदासीन हो जाते हैं। जब ये उदासीन होगी इनमें होगा प्रतिकार, जिसके कारण ये हमें क्या कहलाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल। जिसके कारण हमें क्या कहलाते हैं, ये टार्ट्रिक अम्ल कहलाते हैं। एक बार पुनः बात कर लेते हैं, जो टार्टिक अम्ल होता है हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है, इमली खट्टे फल पहली बात, जैसे एग्जाम्पल की बात करें इमली बेर और अंगूर। ठीक है, और हम बात करें संरचना की, इस प्रकार की संरचना होती है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं इसके तीन नाम होते हैं। पहले नाम मैंने कहा कि अगर इस कार्बन श्रृंखला कार्बोक्सिलिक श्रृंखला को देखोगे और पहला कार्बन उसको अल्फा कहते हैं और दूसरी साइड से देखेंगे वहाँ पर भी अल्फा है तो उसको क्या कहते हैं, अल्फा डेस कह दिया हमने। इसका इसका नाम क्या है, अल्फा अल्फा डेस डाइहाइड्रोक्सिलिक अम्ल। और आईपीसी नाम की बात करें, इनको कार्बनिक श्रृंखला को नाम दे दिया है, दो तीन डाइहाइड्रोक्सिल ब्यूटेनोइक अम्ल, और वैसे इसको क्या कहते हैं, टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, एल माइनस टार्ट्रिक अम्ल, डी प्लस टार्ट्रिक अम्ल और मेसोटार्ट्रिक अम्ल। एल माइनस टार्ट्रिक अम्ल वो होगा जहाँ ओ एस समूह यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर एच समूह होगा तो वो जाएगी डी प्लस, और दोनों तरफ या तो एच हो या ओ एच हो उसे क्या कहते हैं, मेसोटार्ट्रिक अम्ल कहते हैं, जो क्या ध्रुवणक अघूर्णक होता है। रीजन क्या होता है इसको हम समझते हैं, एल डी एल के मिश्रण से, क्योंकि दो असममित कार्बन पाए जाते हैं तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे पर रखोगे तो वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से क्या होते हैं, हमारे पास डी और एल का मिश्रण भी प्राप्त होता है टार्ट्रिक अम्ल का। जब उदासीन हो जाए तो उनको अंदर हमें प्रतिकार उत्पन्न होता है, जिसके कारण अघूर्णक होंगे और क्या कहलाएंगे, टार्ट्रिक अम्ल कहलाते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, जो हम बात करने वाले बात करेंगे केमिकल रिएक्शनों के बारे में। पहला हमारे पास असतर्प डाइहाइड्रोक्सी अम्लों के द्वारा, प्रीवियस कुछ लेक्चरों के अंदर या प्रीवियस रिएक्शनों के अंदर हमने जो बात की थी मेलिक अम्लों की बात की थी, जहाँ पर ये असतर्प हाइड्रोकार्बोक्सी की बात कर रहा है वो उनसे जो तात्पर्य है वो है मेलिक अम्ल से। हम रिएक्शन मेलिक अम्ल के द्वारा भी करेंगे और साथ में फेरमेरिक अम्ल के द्वारा भी करेंगे। रिएक्शन किस प्रकार से होती है, के एम एन ओ फोर की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन प्लस जल के साथ होती है और हमें क्या मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। पहली रिएक्शन देख लेते हैं,
ये मैंने क्या बोला, ये मलिक अम्ल। जल, ऑक्सीजन और KMnO4 क्या बनाता है हमारे पास, HOH और ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फ्यूमेरिक अम्ल की। इसमें DL का मिश्रण आता है, मिश्र रूप प्राप्त होता है। पहले हम इसमें डी रूप बना लेते हैं, सॉरी एल रूप बना लेते हैं। अब बना लेते हैं डी रूप। अब हम जो बात करने वाले हैं, दूसरी बात करेंगे अल्फा अल्फा डाई ब्रोमोसिलिक अम्ल, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कुछ इस रूप में भी लिखते देख सकते हैं, CH ब्रोमीन या ब्रोमीन लिख लेते हैं, COH CH Br और CH2HgOH, ठीक है। यही है डबल बॉन्ड घटाया सी मैंने यहाँ पर, और रिएक्शन को करोगे यहाँ पर आ जाता है OH CO। तीसरी रिएक्शन की बात करें, ग्राई ऑक्सल साइनोहाइड्रोजन, इसी रिएक्शन करते हैं हम HCN के साथ, 2HCN ले लीजिए, OH CN CN, जल का बटन करा दीजिए, COH और COH, ये हमारी हो जाती है तीसरी रिएक्शन। अब जहां हमने ब्रोमीन लिया था वहां पर यहां पर OH ले लीजिए आप, और अंत में एक के द्विज लगा देना, एक के क्या लगाते हैं, तो हाइड्रोजन पोटेशियम हमारे पास क्या होता है, टार्ट्रिक बन जाता है। इसके लेते हैं दो अणु, CaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। जब रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास दो उत्पाद बनेंगे, कौन कौन से, एक तो बनता है CHOH CHOH CO, ठीक है। एक जो उत्पाद बनेगा CA, ठीक है। अगर इसकी बात करो, इसको मुझे ऐसा बनाना है, तो इसकी रिएक्शन पुनः होती है CaCl2 कैल्शियम डाइक्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा पुनः, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन पुनः इसकी, तो एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब जो इस रिएक्शन को हम करते हैं आगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं, ये हमारे क्या बन जाता है, मुख्य उत्पाद, ये क्या बन जाता है हमारे पास, मुख्य उत्पाद बन जाता है। एक बार पुनः देखते हैं, पहले हमने जो बात की थी असंतृप्त डाइकार्बोक्सी अम्ल की बात की, जो हमारे पास क्या थे, मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल थे।
हमने क्या ले लिया, पहले मैलिक अम्ल ले लिया जल की उपस्थिति के अंदर, और ऑक्सीजन के एम एन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं हमारे स्टार्टिक अम्ल। अगर इसके जगह हम क्या ले लें, फॉर्मिक अम्ल ले लें, क्या ले लें, फॉर्मिक अम्ल ले लें, तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, एक तो हमारे पास एल टार्टरिक अम्ल, एक डी टार्टरिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास अल्फा अल्फा डाइब्रोमेसिलिक अम्ल, इसमें आपको कुछ नहीं करना, दो सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाओगे टार्टरिक अम्ल में पुण्य प्राप्त हो जाता है। फिर तीसरे हमारे पास ग्लाइऑक्सल साइनाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण करते हैं, बना लिए, फिर इसका जल अपघटन करा दीजिए, टार्टरिक अम्ल का निर्माण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन टार्टरिक, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, दो उत्पाद बनते हैं, एक तो उत्पाद इसमें ये बनेगा और एक ये बनेगा। इस उत्पाद से पुनः ये बनाने के लिए इसकी रिएक्शन CCl2 के साथ कर लीजिए, ये पुनः बन जाएगा, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हैं, हमारे पास क्या प्राप्त है, टार्टरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं जो आज का लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आपके हर एक डाउट्स का जो आंसर है अगले दिया जाएगा आने वाले लेक्चर के अंदर। लगातार रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।